सरोवर में सने का सरोवर। अच्छा, ये क्या सरोवर? सेवा का विशेष लाइट हाउस से
सबसे बढ़कर के फल बच्चों की संख्या से ज्यादा मिलन मन समझा ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को सहयोग देने वालों को संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को देश विदेश के सनी के हाथों से सरोवर संपन्न करने वालों को ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का धन मन धन धन से ईट नहीं उठाई लेकिन तन से अपने साथियों को साथी बनाए वो मांगते हैं तो ऐसा बूंद बूंद सने संयोग शक्ति के बूंदों से सजा सरोवर सदा श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा और सर्व सहयोगियों को कोने कोने के विदेश देश वालों को जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी जहां हिम्मत है वहां बाप की पदम गुना मदद है तो उनको भी विशेष बना के दे दिए है ना
द्वार के पहुंचने की। और विशेष माताओं को पदम कुनाम मुबारक के। शांति, आज का दिवस हम बच्चों के लिए कितना न सुंदर दिवस है कि आज के दिन पर ज्ञान का सागर बाबा ज्ञान सरोवर में आया है। तो ज्ञान सरोवर और ज्ञान सागर का मिलन ये बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। सरोवर और सागर
आपस में मिल रहे हैं। मंच पर हम देख रहे हैं कि सागर के साथ साथ ज्ञान गंगाएं भी मिल गई हैं। ज्ञान गंगाएं और ज्ञान सागर आपस में मिल चुके हैं और ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है। इस दृश्य को देखकर देवलोक के देवताएं भी मन ही मन हर्षित हो रहे हैं कि सागर और गंगाएं सदा मिलती रहें। अब ज्ञान सरोवर में भ्राता निर्वैर जी ने फूलों का गुलदस्ता देकर बाबा का स्वागत किया। अब इसके बाद रमेश भाई भी फूलों का गुलदस्ता बाबा को देकर स्वागत कर रहे हैं। ये गुलदस्ता बाबा के बगीचे का, ज्ञान सरोवर के बगीचे का है, जो हम बच्चों को चैतन्य फूलों की याद दिलाता है। अब इसके बाद जीतू भाई बाबा को गोल्डन बैज पहना रहे हैं। इसमें डायमंड लगा हुआ है। ये डायमंड की रोशनी सारे विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। अब इसके बाद आ रही हैं मोहिनी बहन, एक बहुत सुंदर सा हार लिए हुए धीरे धीरे बाबा के गले में पहना रही हैं। ये हार हम बच्चों की यादगार हैं। हम बच्चे सदा बाबा के गले में पिरोए रहें, हार में रहें, और बाबा के गले में ये हार बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसा लगता है कि सभी बच्चे बाबा के गले में हार में पिरोए हुए हैं। ये वो बच्चे जो केवल इस हॉल में नहीं हैं, सभी बच्चे चाहे वो बाहर बैठे हैं, चाहे इस ऑडिटोरियम के हॉल में बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हैं, सभी बच्चे बाबा के गले में हार में पिरोए हुए हैं। मोहिनी बहन ने बाबा से हाथ मिलाया और अभी मुन्नी बहन बाबा के सामने पहुंची हैं। बाबा को ऑडिटोरियम की सजावट के बारे में बता रही हैं। बाबा भी इस सजावट की महिमा कर रहे हैं। अब मुन्नी बहन बाबा को सुंदर सा चमकता हुआ तिलक दे रही हैं। इस तिलक की रोशनी लाइट के समान सारे विश्व में फैल रही है। मुन्नी बहन ने बाबा से हाथ मिलाया और बाबा स्नेह भरी दृष्टि देते हुए उन्हें बहुत स्नेह दिया। बाबा के सामने आ रहे हैं ज्ञान सरोवर के बगीचे को संभालने वाले नंजप्पा भाई, जिन्होंने ज्ञान सरोवर के बगीचे का गुलदस्ता बाबा को भेंट किया और बाबा भी इस रिटर्न में उन्हें एक सुंदर सा गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, ताकि फिर से फूलों को और सजाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। बाबा के सामने आ रहे हैं पिंकू धवल कुमार, बाबा को सुंदर सा बैज पहना रहे हैं और बाबा ने भी इसके रिटर्न में उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। बाबा भी उन्हें बधाने से मजबूत कर रहे हैं। अमिताभ बहन की दादी जी को सुंदर गोल्डन बैज पहना रहे हैं। इस गोल्डन बैज में हीरा चमक रहा है और इस हीरे की रोशनी विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। बाबा का गोल्डन बैज और दादी जी का गोल्डन बैज, इसमें चमकते हुए हीरों की रोशनी ऐसे लगती है कि सारे विश्व में दो हीरे चमक रहे हैं। जैना बहन ने भी बाबा को गुलदस्ता भेंट किया। बाबा ने बिंदु बहन को भी बुलाया है और बिंदु बहन बिंदु स्वरूप में स्थित होकर बाबा के सामने आ रही हैं और मंच पर आ चुके हैं जाल मिस्त्री और भ्राता उत्तम जैन। भ्राता उत्तम जैन और जाल मिस्त्री जी ने इस हाल की सजावट में चार चांद लगा दिए। इन दोनों ने दिन और रात अथक होकर इस ऑडिटोरियम हॉल को बनाने में, सुंदर रूप देने में विशेष कार्य किया है। अब सबसे पहले गुलदस्ता दे रहे हैं जाल मिस्त्री जी। सब भाई बहने ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बाबा अपने वरदानों से जाल मिस्त्री जी को भरपूर कर रहे हैं। अब आ रहे हैं भ्राता उत्तम जैन, जिन्होंने बाबा को गुलदस्ता भेंट किया। बाबा ने उन्हें वरदानों से भरपूर किया और बाबा ने कहा ये बाबा का वारिस बच्चा है। भ्राता उत्तम जैन बाबा के वारिस बच्चे हैं, वारिस थे और वारिस रहेंगे। बिंदु बहन भी पहुंच चुकी हैं। बिंदु से बिंदु का मिलन हो रहा है।
दो बिंदु का मिलन कितना सुंदर है। बाबा ने बिंदु बहन को गुलदस्ता भेंट किया। हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहने इस दृश्य को देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि आज ज्ञान का सागर, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। ज्ञान सरोवर को संभालने वाली दादी चंद्रमणि जी भी आज बहुत हर्षित हो रही हैं। बाबा के अंग और संग रहकर बहुत ही मन खुश हो रही हैं। उनकी खुशी को हम देख रहे हैं। दादी जानकी जी भी देश विदेश का समाचार बाबा को सुना रही हैं। अब हमारे सामने आ रही हैं फिलीपींस से आई हुई एक बहन, जो बाबा को एक सुंदर सा हार्ट भेंट करेंगी जिस पे लिखा हुआ है आई लव यू मेरा बाबा। अब हमने बाबा का हार पुष्पों द्वारा स्वागत किया। अब इसके बाद सतीश भाई और उनके साथी गीत के द्वारा बाबा का ज्ञान सरोवर में स्वागत करेंगे। गीत के बोल हैं कि ज्ञान सरोवर में ज्ञान का सागर बाबा आया है। स्वागत ज्ञान सरोवर में मिलने सागर सरोवर
अभी ज्ञान सरोवर के उद्घाटन की विधि बाकर कमलों द्वारा होगी। बाप दादा दादी जी दादी जानकी दादी चंद्रमणि भाई और अन्य वरिष्ठ भाई अन्य दादियाँ तथा ज्ञान सरोवर के सभी इंजीनियर ज्ञान सरोवर का उद्घाटन का कार्य करेंगे। बाप दादा मोमबत्ती जलाकर उद्घाटन कर रहे हैं। दादी जी भी उद्घाटन कर रही है। जोर से ताली बजाए उद्घाटन विधि का कार्यक्रम जारी है। फिर से भाई बहने ताली बजाए ताली की आवाज ज्ञान सरोवर के हॉल तथा ज्ञान सरोवर में गूंज रही है। बाबा के साथ रास्ता जा रहे हैं। बाबा
के साथ मिलन मना रहे हैं। अब इसके बाद बाबा हॉल से बाहर प्लाजा की ओर जा रहे हैं। दादी जी उनके साथ साथ चल रही हैं। बाबा बाल के बाहर के बाद चुके हैं कल्प के बाद ही ऐसा हुआ है। अभी बाप दादा दादी दादी जी दादी जानकी झंडा लहराएंगे। विधिवत ज्ञान सरोवर का उद्घाटन कुछ अंदर मोमबत्ती जलाई और अभी यहाँ पर शिव बाबा का झंडा स्वयं बाप दादा लहरा रहे हैं। सबके मन में सभी ब्राह्मणों के मन में कितनी खुशी। ताली बजाओ खूब जोर से, खूब जोर से ताली। मुनी बहन कह रही हैं अभी तक सूक्ष्म वतन तक गई है, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंची। वैसे वहां पहुंचती नहीं है, इसलिए बाबा को खुद यहां आना पड़ता सुनने के लिए। तो खूब बजाइए जोर जोर से। पहले झंडा अच्छा अभी झंडा लहराते हैं। ओम शांति। हाँ जी झंडा लहराया, फूल पत्तियां सबके ऊपर गिरी और सबसे ज्यादा बाप दादा के ऊपर। और अभी 108 आत्माएं उड़ रही हैं बाबा के हाथ लगने से। चंद्रमणि दादी ने माला तैयार कर दी है। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान।
सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का उठते चलो उड़ाते चलो, शिव ताली बजाओ सब, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा 108 बैलून अभी बाप दादा झंडा रोहण के उपलक्ष में ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में मुरली में तो वरदान दिए, अभी आप सबके सन्मुख भी दो शब्द वरदान रूप में अभी आपके सामने। लाइट और माइक की दृष्टि इस धरनी पर दे रहे हैं।
रहने का जो है वो यहाँ से बहुत आगे जा रहे हैं, तो बहुत थोड़ा इधर से पब्लिक और फिर उसके बाद सेमी बाबा एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, देखने भी और देख रहे हैं तो इधर देख करके और यूनिवर्सिटी तो टोटल है ये एकेडमी फॉर ए बेटर ट्रेनिंग हॉल के बारे में इसको ट्रेनिंग सेंटर नाम दिया है जो आप इंटरनेशनल सेंटर फॉर जानते हैं उसका चीफ मिनिस्टर ने उद्घाटन है और डॉक्टर तो राष्ट्रपति करेंगे उसका सुंदर दृश्य है जो ट्रेनिंग हॉल के आज के बाद महावाग्य है ये जो तीन ये गेट से कार्य करने वाले जो बाबा के सामने मेहनत की बसे वो भी सब बैठ के बाबा से दृश्य ले रहे हैं जो भी आए कई आत्माएं जाने अनजाने देखो वो धीरे धीरे उठे हुए यहाँ से धीरे धीरे निवेदन करते हैं सभी भाई बहनों को और सारी पूरे घरे कैसे जो अंदर बाबा कहेंगे यहाँ से अंदर हो गए वो आम जो सबके आने के अगर कोई तो बाबा ये सीढ़ियों से ऊपर आ गए फिर ऊपर आने का जो नहीं सीढ़ी चढ़ सकते उनके लिए लिफ्ट है और रिसेप्शन वहाँ पर है नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और उसके साथ में एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर बैठ के कोर्स भी करा सकेंगे और बहनों का उसका ये लेवल सारा ऐसे गया फिर ऊपर गया फिर उसके बाद वहाँ एक चार गया फिर उसके बाद पाँच पाँच चार उसके बाद बेसमेंट्स में काफ़ी जगह स्टोर्स के लिए ऑफिस के लिए ये सामने अभी बंद है चल रहा है यहाँ पर काउंटर ऐसे ये स्कूल लगता है जैसे एकेडमी प्रैक्टिकल सारे कारोबार को सुचारू रूप से संपन्न करने के निमित्त निर्वैर भाई को बाबा ने डायमंड बैज देकर सम्मानित किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जीतू भाई जी को जिन्होंने बाप दादा के वायदे प्रमाण समय पर ज्ञान सरोवर को संपन्न किया। जीतू भाई दादा जीतू भाई को डायमंड बैज देकर सम्मानित कर रहे हैं। सब भाई बहने जोर से ताली बजाएं। ज्ञान सरोवर के सारे कारोबार की सफलता का आधार है
दादी जी और दादी जान की जी। बाप दादा अपने कर कमलों से दादी जी को गोल्डन बैज पहना रहे हैं। दादी जानकी जी को भी गोल्डन बैज पहना रही हैं। बाप दादा रमेश भाई को भी बैज प्रदान कर रहे हैं। दादी चंद्रमणि और दादी रतन मोहिनी ज्ञान सरोवर का सारा कारोबार संभालने वाली हैं, इसलिए बाप दादा दोनों दादियों को गोल्डन बैज देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ओम व्यास जी नए गीतों की कैसेट बाप दादा को दे रहे हैं। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा। तुम्हारा